Hey everyone, welcome to my YouTube channel Ravi Rover. So आज का मेरा vlog है DLF Promenade वसंत कुंज पर. So मेरा ये vlog बनाने का कुछ मन नहीं था, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, happening हो जाती है. तो आज है 20 फरवरी, तो आज PVR के कुछ cinemas में जो movie ticket है वो 99 रुपए की है. मैंने सोचा चलो यार इतनी सस्ती टिकट है, वैसे तो PVR की टिकट 400 रुपये 500 रुपये, क्लासिक का अलग रेट, प्राइम का अलग रेट, लेकिन आज जो है ना, चाहे क्लासिक हो चाहे प्राइम हो, सबका प्राइस 99 रुपीज़ है. तो मैं सोचा चल यार आज मूवी देख के आ जाता हूँ. आज कॉलेज बंग मार दिया मैंने मूवी के चक्कर में. तो मैं अभी मूवी देखने जा रहा हूँ तानाजी. तानाजी 3D मूवी, मतलब 3D में लगी हुई है, तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं 10-12 रुपये का अंतर है उतना ही, और कुछ खास नहीं है. और मैं आपको पूरा मॉल भी दिखाऊंगा, DLF Promenade वसंत कुंज का जो मॉल है, जितना भी मुझसे हो बन पड़ेगा उतना मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉल कैसा है. मैं आ गया हूँ DLF Promenade वसंत कुंज. बट यार यहाँ पे MS मॉल भी है, मेरे को मतलब अभी पता चला कि यहाँ पे आने पे, कि यहाँ पे DLF Promenade के अलावा भी वसंत कुंज में MS मॉल भी है. मैंने तो गुड़गांव में ही देखा था, और भी ब्रांचेस होती है मॉलों की, बहुत होती है, मारुति सुजुकी की भी है, और भी बहुत सारे यहाँ पे मॉल्स हैं. तो अगर आप आओगे, अगर मेट्रो से आओगे या बस से भी आओगे, तो आपको 5-10 रुपये का ऑटो लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा उस तरफ. तो मैं आपको हाँ DLF Promenade का फ्रंट लुक दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ कितने सारे मॉल हैं. ये एम्बियंस है, और ये वाला Promenade है, और ये मारुति सुजुकी वालों का है. ये देखिए DLF Promenade का मॉल है ये पूरा यार, कितना अच्छा बना रखा है, कितना सुंदर है. ये देखिए हम अभी दिख नहीं रहा, थोड़ा पेड़ पौधे हैं थोड़ा सा आगे. ये देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए ये है DLF Promenade. आज हम लोग इसी में जाएंगे. ये देखिए ये DLF Promenade में कितने सारे ब्रांड है. देखिए ये यहाँ का फ्रंट लुक है, मतलब एंट्री गेट है. ये देखिए ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं दिखाता हूँ. ये देखिए ये सारे ब्रांड्स हैं Promenade के अंदर. तो मैं इसी गेट से भी एंट्री करने वाला हूँ. देखिए ये परफ्यूम्स की शॉप है, ये बैठने का है, बाकी अदर शॉप्स. कितना अच्छा नज़ारा यार. अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो ये सारी जितनी भी शॉप्स है सब ग्राउंड फ्लोर पर है. ये कोस्ता की है. अभी मैं चढ़ने वाला हूँ फर्स्ट फ्लोर पर. बहुत ही अच्छा मॉल है यार, मतलब बहुत, मैं जब भी मॉल में जाता हूँ ना मज़ा बहुत आता है, पर कुछ खरीद नहीं पाता साला, चीज़ें इतनी महंगी होती है, बट फ्यूचर में ज़रूर खरीदेंगे. तनिष्क का है. डेकोरेशन अच्छी होती है यार कि हर मॉलों की, मतलब कातिल. ये देखिए फर्स्ट फ्लोर से. हर ब्रांड आपको मिलेगा मेरे ख्याल से, जो भी ब्रांड चाहिए, मोस्टली तो सब फॉरेन ब्रांड्स होते हैं हर मॉल में. अभी मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि PVR Promenade का वहीं पर है सेकंड फ्लोर पर.
तो मैं जा रहा हूँ और मेरे मूवी का टाइम भी होने वाला है, 2:15 का शो है। मेरे को सेकंड फ्लोर ढूंढने में बड़ी दिक्कत ही आई यार, मतलब मॉल इतना बड़ा है साला, पता ही नहीं चला। मैंने फिर गार्ड से पूछा कि सेकंड फ्लोर कहाँ है, सेकंड फ्लोर कहाँ है, तो उसने मुझे बताया लेफ्ट से राइट है, तो मुझे अब पता चला यही होता है। ये सेकंड फ्लोर पर है मैड ओवर डोनट्स, और सच्ची बताऊँ यार बहुत अच्छे डिलीशियस डोनट बनाते हैं, मैंने अभी खाया बहुत मज़ा आ गया। ये देखिए, और ये 99 का आपको मिल जाएगा, 99 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा आपको जूस भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं तो पहुँच गया अपने PVR पे, फिल्म देखने के लिए टाइम भी हो जा रहा है, 10 मिनट बचा है, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ। आपको PVR का फ्रंट लुक दिखा देता हूँ यार। अरे यार छो में देखिए, ये PVR आइकॉन पे यहीं पे मूवी लगी है। ये देखिए, ये टिकट्स काउंटर है। PVR आइकॉन का फ्रंट लुक, अभी मैं यहीं से एंट्री लूँगा। ये देखिए, यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। सभी मैंने एंट्री ले ली और मैं आ गया हूँ PVR के अंदर। मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, उससे पहले मैं आपको बाहर का वेन्यू, थोड़ा बाहर का सीन दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ भी खाना पीना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। टिकट्स है पेटीएम, मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की थी तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, सीधा बार कोड स्कैन हुआ और मैं आ गया। मैं टॉयलेट से, इन्हीं के अंदर चल रहा है शो। वाह यार, इतना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है। स्क्रीनिंग ऑन कमी अब 3D तानाजी अनसंग वॉरियर 250। यही चश्मा मिला है 3D।